उत्तरकाशी जनपद में युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल जनपद के युवाओं को खेल गतिविधियों के अलावा आपदा प्रबंधन और विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। इस बात को लेकर युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी ने बताया कि इस बार हरिद्वार कुंभ ड्यूटी में जनपद से 122 पीआरडी जवानों ने सेवाएं दी हैं और कोविड काल में पीआरडी के जवानों द्वारा दी गई सेवाओं को आज भी हर कोई याद करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा कल्याण विभाग द्वारा जनपद के हर ब्लॉक के गांव में युवक महिला मंडल दल का गठन किया है, जिनको युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे की घोषणा के अनुसार 22,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। सर, हमने 15 दिन का प्रशिक्षण किया है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद सर ड्यूटी करी है सर। उसके बाद ड्यूटी के बाद हमने जो भी युवा कल्याण द्वारा जो भी काम क्या क्या होता है इसमें, इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गया, खेल कूद हो गया, आता हो गया, मतलब हर क्षेत्र में जहाँ भी पीआरडी की जरूरत पड़ती है लोग वहाँ के लिए रख रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रीतम। प्रीतम सिंह। युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो पीआरडी जवान हमारे पीआरडी जवान हैं वो कोविड को देखते हुए उन्होंने अपने अपने विकास खंडों के विभिन्न न्याय पंचायत और ग्राम पंचायतों में उत्तरकाशी जनपद के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कोविड में बहुत ही सराहनीय काम किया और रात दिन वो संघर्ष करते रहे कोविड 19 में। और अभी वर्तमान समय में वो जो हमारे पीआरडी जवान हैं वो लगभग 177 विभिन्न कार्यालयों में तैनात हैं और लगभग 122 जो नर्सिंग स्टाफ है जिले के विभिन्न अस्पतालों में एनएम जेएनएम फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो कि शासन और प्रशासन की दोनों की 24 घंटे मदद करने के लिए तैयार हैं। और वर्तमान समय में जो तहसील ड्यूटी है आप उत्तरकाशी जनपद आपदा क्षेत्र है उसमें लगभग 37 पीआरडी जवान सभी विकास खंडों में अलग अलग स्थानों पर तैनात है और आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में। और वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद में सरकार द्वारा जो महिला और युवक मंगल दलों को प्रोत्साहित करने की जो योजना बनाई गई है सरकार द्वारा और हमारे विभागीय मंत्री माननीय मंत्री श्री अरविंद पांडे जी के द्वारा और इस क्रम में हमारे जनपद में टोटल ग्राम पंचायतें 508 हैं और इस क्रम में पंजीकृत जो हमारे युवक दल हैं वो लगभग 495 युवक दल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में हो गया है। और इस दूसरे क्रम में 498 के आसपास महिला मंगल दलों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और सरकार इनको 14,264 रुपये की आर्थिक सहायता करने जा रही है और जो कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा सरकार द्वारा योजना संचालित की गई है और जल्दी ही धरातल पे लागू होगी। और अभी युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में जो उत्तराखंड सरकार में जो हमारे डायरेक्टर महोदय के निर्देश के क्रम में अभी अंडर 14 की जो प्रतियोगिता की जानी थी वो न्याय पंचायत स्तर पे 20 सितंबर से तय थी और 20 सितंबर से